हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं 10 मजेदार सवाल। दोस्तों, इस सीरीज का यह हमारा 48 नंबर का वीडियो है। आपसे एक एक करके सवालों को डिस्कस करेंगे और इसके लिए जवाब देने के लिए आपको भी कुछ सेकंड का समय मिलने वाला है। तो अपने जवाबों को कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए, जिससे आप एक हेल्दी क्विज का लाभ ले पाएंगे। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, वह कौन सा देश है जिसकी सीमा को 14 देशों ने घेरा हुआ है? इस सवाल का सही जवाब है चाइना, मतलब चीन देश। चीन देश को यदि हम बात करें तो 14 देशों की सीमा ने घेरा हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दो, वह कौन सा जानवर है जो अपने मुंह से पानी नहीं पीता है? इस सवाल का सही जवाब है मेंढक। मेंढक एक ऐसा जानवर है, यह अपनी त्वचा से पानी को सोखता है, यह अपने मुंह से पानी नहीं पीता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीन, विश्व का सबसे महंगा जानवर कौन सा होता है? इस सवाल का सही जवाब है, विश्व का सबसे महंगा जानवर होता है रेस का घोड़ा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर चार, इंसान के दिमाग में कितना औसतन पानी होता है? इस सवाल का सही जवाब है, इंसान के दिमाग में औसतन 77-78% पानी होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर पांच, वह कौन सा जीव है जो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है? इस सवाल का सही जवाब है चींटी। चींटी एक ऐसा जीव है जो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन तक उठा सकती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर छह, ब्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है, ब्रा को हिंदी में अंगिया या फिर महिला उप अंगवस्त्र भी कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर सात, कौन सी चीज न पानी में गीली होती है व न ही आग में जलती है? इस सवाल का सही जवाब है परछाई। परछाई एक ऐसी चीज है जो न कि पानी में गीली होती है व न ही आग में जलती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आठ, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? इस सवाल का सही जवाब है, सबसे पहले नोटबंदी जो है यह घाना देश में हुई थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, वायुयान व रॉकेट किस धातु के बनते हैं? इस सवाल का सही जवाब है, वायुयान या रॉकेट की हम बात करें तो यह एल्यूमिनियम धातु के बनाए हुए होते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, डाबर किस देश की कंपनी है? इस सवाल का सही जवाब है, डाबर जो है यह भारत देश की कंपनी है और इसे डॉक्टर एस के बर्मन के द्वारा 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं आज के क्विज सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे फ्रिज में रखने पर भी वह गर्म रहती है? और दूसरा सवाल है, रॉकेट हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही क्यों छोड़ा जाता है? यह दोनों सवालों में से जिस भी सवाल का आपको जवाब पता है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ जो पार्ट 49 नंबर की वीडियो आएगी, उसमें हम इनके जवाबों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में कनेक्ट हो सकते हैं, इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लास्ट तक वीडियो से बने रहने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।